बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वाला रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सा जबरदस्त सा मजेदार सा देगी दानेदार कोरमा। आप रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। शुरू करते हैं हम पहले यहाँ पर एक कदर कढ़ाई ले लेने से, और कढ़ाई को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 3/4 कप तेल का, जो कि सरसों का तेल मैंने लिया है। इसके नीचे रोशन कर देंगे आग। तो दोस्तों जब तेल हो जाएगा हमारा गरम, तो यहाँ पर ये मैंने 6 प्याज इस तरह से काट लिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन प्याजों को मैंने करना है अच्छा सा फ्राई। तो दोस्तों अगर आप भी बना रहे हो देगी बीफ कोरमा, तो आपने प्याज बाजार से सुर्ख किए हुए नहीं लेने, क्योंकि जो बाजार से सुर्ख किए हुए प्याज होते हैं उनके अंदर मैदा होता है। तो दोस्तों अब जब हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ये जो है ना ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसके नीचे आग बंद कर देंगे। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि क्योंकि तेल हमारा गर्म ही है, तो ये अपनी जो थोड़ी बहुत कुकिंग के साथ साथ होती रहेगी। तो हम ऐसा करेंगे कि इस टाइम पर इसको एक किसी बड़े छानने में किसी में निकाल कर, तो इसका जो ऑयल है वो ड्रेन आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर इसका ऑयल ड्रेन आउट नहीं होगा तो ये हमारे प्याज जो हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम इन प्याजों को क्रिस्पी करने के लिए इसके ऑयल को ड्रेन आउट कर दें अच्छी तरीके। इसको हमने ड्रेन आउट कर लेना है, इससे ये होगा कि हमारा जो ऑयल है वो भी हमारे लिए बच जाएगा और ज़ाया नहीं होगा, और जो हमारे प्याज हैं वो भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो पाएंगे। और अब हम अपने प्याजों को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा फैला देंगे ताकि वो ड्राई हो सकें। तो आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारे प्याजों का। तो इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे और अब हम करते हैं अगला प्रोसीजर। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने ले लिया है ये एक अदद कुकर, और इस कुकर के अंदर क्योंकि हमारी बाकी कुकिंग होनी है, अब इसके अंदर मैं ऐसा करूंगा कि छान लूंगा जो मेरा तेल था। तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने एक अदद छानी ले ली है, तो अब मैं इसको छान लेता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताते जाइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ, और ये हड्डी वाला गोश्त है, इसको इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने कूट ली है अदरक तकरीबन 1 टीस्पून या उससे थोड़ा ज़्यादा ही, इसमें वो भी शामिल कर दूंगा। और अब मैं इस गोश्त को और इस लहसुन अदरक को फ्राई कर लूँगा तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। इस तरह फ्राई करने से इसकी ना सिर्फ अगर कोई स्मेल होगी तो वो भी जाती रहेगी, और साथ साथ जो है अच्छी तरीके से लहसुन अदरक भी इसमें कोट हो जाएगा, और गोश्त भी हमारा जो है ना वो अपना रंग तब्दील कर लेगा। तो दोस्तों 3-4 मिनट तक अच्छी तरीके से गोश्त को फ्राई कर लेने के बाद मैं इसके नीचे आग करूंगा कम, और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 400 ग्राम दही का शामिल कर दूंगा। ये फिटा हुआ दही मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, आप बगैर फिटा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैं 1 टीस्पून शामिल कर दूंगा लाल मिर्च का, दो टीस्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3/4 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल कर दूंगा, ये पाउडर ही शामिल करना है इसके अंदर, 1/2 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी का शामिल कर दूंगा, 1 लेवल चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये 1 चाय का चम्मच इनफ होगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैं 3 अदद हरी इलायची शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खुशबू आए कोरमे वाली, और ये तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ, जिसके अंदर 1 जो है बड़ी इलायची है, 2 लौंगे हैं और चंद काली मिर्चें हैं, ये इसके अंदर जाएगा। बादियान या जायफल जावित्री वगैरह मैं इसमें नहीं शामिल कर रहा। और यहाँ पर ये मेरे पास एक केवड़ा एसेंस है, जिसका सिर्फ मैं इसके अंदर 1 कतरा टपकाऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनफ। और 1 बड़ा पत्ता मैं इसका तेज पात का डालूंगा इसके अंदर, उसको भी मैं तोड़ देता हूं। तो दोस्तों अब इसके नीचे आग तेज करके मैं इसको सबको मिक्स कर लेता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहां पर देख रहे होंगे कि दही का भी जो पानी है और जो गोश्त ने भी पानी छोड़ा वो भी आपको नजर आ रहा होगा, और कुछ पानी हम इसके अंदर इजाफी शामिल करेंगे। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालूंगा मजीद, ये गोश्त अच्छी तरीके से हमारा इसके अंदर डूब जाए। और अब मैं इसके ऊपर इसका ढकना ढक दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
और सीटी लगाकर इसको प्रेशर लेने के लिए छोड़ दूंगा। और तो दोस्तों मैंने जो कुकर को प्रेशर दिया 25 मिनट का, तो ये मैंने अपने हिसाब से जहां मैं रहता हूं और अपने तजर्बे के हिसाब से दिया। तो आप जहां रहते हो उस हिसाब से ही आपने पानी शामिल करना है और उसी हिसाब से अपने टाइम देना है कि आप बड़े के गोश्त को अपने इलाके में कितना टाइम देते हैं कुकर में। तो दोस्तों अब जबकि इसके 25 मिनट पूरे हो चुके हैं प्रेशर को, तो मैं इसके नीचे आग को बंद कर दूंगा और इसके प्रेशर रिलीज होने का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों इन प्याजों को मैंने फिर शिफ्ट कर दिया था पैन में ताकि वो जो तेल वाला कागज है वो अलग हो जाए, और इसको फिर मैंने रख दिया था हवा में। तो आप इस तरह करके भी खुश कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में रख के तब भी खुश कर सकते हैं। और अब मैं इन प्याजों को कूट लूंगा। आप याद रखिए कि इन प्याजों को हमने कूट के डालना है, हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, पीसना नहीं है, क्योंकि पीस कर फिर इसका वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें मतलूब है। अबू अब्दुल्लाह अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात को आसमान दुनिया की तरफ उतरता है जिस वक्त के आखिरी तिहाई रात बाकी रहती है, और फरमाता है कि कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं इसकी पुकार को कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं इसे दूँ, कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहे तो मैं इसे बख्श दूँ। तो दोस्तों अब जबकि प्रेशर रिलीज हो चुका है तो अब इसका ढकना खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें पानी चूंकि इसमें कुछ है तो इसके नीचे मैं आग रोशन करूंगा, तेज आग रोशन करूंगा और इसका पानी थोड़ा खुश करूंगा। और इसी मौके पर जो हमने प्याज सुरख कर लिए थे और वो कूट लिया था वो इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोरमे में जो मज़ा आएगा वो आता इसी बात से कि प्याज आपने इस तरह से करके डालने हैं कि उसका दाना बन जाए, और दूसरा ये कि केवड़ा एसेंस जो है ना वो नहीं डालना भूलना, क्योंकि उससे ही असल में इसकी खुशबू सी उठेगी। और कमेंट्स करने के साथ साथ ये बात अपने जहन में आपने रखनी है कि आपने लाइक भी करना है वीडियो को और शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा जो कोरमा है वो भुन चुका है, और ये देखिए इसके अंदर इसका दाना दाना जो आपको नजर आ रहा है ये इस प्याज की वजह से है। तो इस तरह से ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखें शानदार। तो इसका अब मैं चूल्हा बंद कर देता हूं। देखा कितना जबरदस्त दानेदार टेक्सचर आया, ये इसलिए आया कि हमने प्याज को कूट के डाला था और इसके साथ ही हमने कोरमे के अंदर जो एक कतरा हमने केवड़े का एसेंस टपकाया था वो कोरमे के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आएगी शानदार से खुशबू। ज्यादा नहीं टपकाना, हाँ अगर केवड़े का वाटर हो तो उसको हम एक चाय का चम्मच ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा जबरदस्त कोरमा बन के तैयार है, माशाल्लाह फैंटास्टिक लुक। तो अब ये टेस्ट के लिए रेडी है, तो चलें जल्दी से अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको ट्राई करने का टाइम आ गया है, तो एक तो इसकी गलावट देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बिल्कुल हमारा गोश्त जो है गल चुका है, आराम से अच्छा सा गोश्त, अच्छा सा अच्छी सी ग्रेवी। वाओ फैबुलस, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाओ, बहुत ही शानदार देगी कोरमे का मजा, बहुत ही मजेदार। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आप जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए शेयर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद रेसिपीज के साथ। माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।